एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षांत देही। एक छोटी सी लड़की बाहर आई और बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। संत बोले, बेटी मना न कर, अपनी आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। उस समय वहां खड़े शिष्य ने गुरुजी से पूछा, धूल भी कोई भिक्षा है? संत बोले, बेटा अगर ये आज ना कह देती तो कभी दान ना दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना तो जागी। इश्क करना है तो पहला इश्क अपनी जड़ों से कीजिए, जिनसे आप शादाब है यानी अपने देश से। दूसरा उस दरख से कीजिए जिसकी छांव ने आपको पाला पोसा यानी अपने परिवार से कीजिए। और तीसरा अपने आप से कीजिए। फिर चौथे इश्क करने की इच्छा हो तो उससे कीजिए जिसे आपके तीनों इश्क से इश्क हो जाए। रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। धन और यौवन पर कभी अहंकार न करो, ये दोनों ही स्थायी नहीं है। क्योंकि धन तो कभी एक स्थान पर रुकता नहीं, जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। और यौवन तो आज तक किसी के लिए नहीं रुका, देखते ही देखते वह आपको वृद्धावस्था में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए समय रहते अपने धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और यौवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के लिए शुभ कार्य करें। यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है पर दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिल से निकली हुई आह हमेशा रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कर्म आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगकर बल को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांगकर बुद्धि को चुना, परिणाम सबके सामने है। जब बुद्धि का प्रयोग करके बल को सही दिशा दी जाती है तो जीत अवश्य हो जाती है। हर इंसान के पास इच्छाएं होती है, ढेर सारी इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है। इच्छाएं इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, पर जब इच्छाएं अनंत हो जाती है तो सुकून को खत्म कर देती है। इसीलिए इच्छाएं इंसान के वश में होनी चाहिए, इच्छाओं के वश में इंसान नहीं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, पर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म काम आता है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं। उसे छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही ना समझे। मैं वो क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो कबूल क्यों नहीं जो मैं हूँ।